नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ़ोटो को कटआउट कैसे करते हैं और बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा वीडियो में कि फ़ोटोशॉप में फ़ोटो को बैकग्राउंड कैसे बदलना है और फ़ोटो को कटआउट कैसे करना है। और उससे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है उसमें हमको जो फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल कर रखे हैं उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे ओपन में जाना है, हमने जो इमेज को एडिट करना है वो इमेज हमने यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर देना है, या तो आप राइट क्लिक या तो आप डबल क्लिक करके ले सकते हैं फ़ोटो को। तो इसमें क्या करना है आपको, देख यहाँ पे सिंपली से फ़ोटो को जूम भी कर सकते हैं। आप जूम करके काम करेंगे, अगर नए नए हो तो जूम करके काम करिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, हमने पेन टूल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर पेन टूल लेंगे तो हमको जो जो सिलेक्ट करना है, जो डिलीट करना है वो सब सिलेक्ट कर लेंगे इसमें पेन टूल में। देखिएगा, अगर आप गलती से भी पेन टूल कहीं और जगह पे कर दिए हैं सिलेक्ट तो उसको डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आप जो ये डॉट डॉट लगा रहे हैं तो इसमें क्या करना होगा, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर डिलीट पेन टूल का ऑप्शन आता है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। अब इसको इमेज को हम अच्छी तरीके से सिलेक्ट कर देते हैं। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद हमको कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना होगा इमेज को सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस एंटर। और यहाँ पे देखिए इमेज सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, राइट साइड में एक बॉक्स दिख रहा होगा आपको लेयर का, तो वहाँ पे हमको क्या करना है, अगर यहाँ पे राइट क्लिक करके हम लेयर चेंज करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड चेंज नहीं होगा, तो इसको क्लिक कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद कंट्रोल प्लस जे यहाँ पर करेंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड वाला इमेज है वो यहाँ पर शो करेगा। देखिए, इसके आँखें बंद करते हैं तो ये हमारा बैकग्राउंड शो करता है। तो इसमें क्या करना है, अभी हमें कोई भी बैकग्राउंड इसमें लगाना है बैक साइड में, तो देखते हैं कैसे होता है, बताऊंगा अभी। बैकग्राउंड को पहले हम जो फाइल में रखे हैं उसमें ओपन करके ले आएंगे, जो बैकग्राउंड हमको लगाना है उसको सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, कंट्रोल ए यहाँ पे दबाएंगे इसको सिलेक्ट करने के लिए इमेज को। कंट्रोल ए पर प्रेस करने से हमारा जो इमेज पूरा सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी पेस्ट करने से कॉपी होता है, कंट्रोल सी वो। उसके बाद हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे इसमें कंट्रोल वी मतलब पेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे फ़ोटो कहाँ गया, हमारा बैकग्राउंड तो आ गया, फ़ोटो कहाँ चला गया। अब इसको करना क्या है, लेयर में आप राइट साइड में देख रहे होंगे, सीधा लेयर में जाना है राइट साइड में, इसको पकड़ के लेफ्ट क्लिक के साथ खींच के लेयर वन में छोड़ देना है। अब छोड़ने के बाद हमारा इमेज कुछ इस तरह का दिखाई देगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं। अभी हमने ये जो वाइट वाइट से दिख रहा है और ये जो लड़की का बाल है इसको हमको क्लियर करना है, तो एक डुप्लीकेट लेयर बना देते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर में देखते हैं इसके साथ काम करेंगे, और लेयर वन और एक लेयर वन कॉपी है तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी जो लेयर वन है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, लेयर वन का सिलेक्ट करके जो नॉर्मल है उसमें हमको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इमेज कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको, तकरीबन ये इमेज कंप्लीट हो चुका है 70%। अभी इसको करना क्या है, अभी हमने लेयर वन में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, अभी हमने जो कॉपी बनाया है लेयर वन कॉपी इसमें क्लिक करेंगे सिंपली। अब क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा सेकेंड में, अब देखिएगा लेयर वन में कॉपी हो गया। यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है आपको ऐड लेयर मास्क, इसका नाम है ऐड लेयर मास्क, तो इसमें क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक और वाइट हो जा रहा है बैकग्राउंड कलर हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। तो देखिएगा अभी अगर हम इमेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इमेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड हमारा कलर चेंज हो जाता है।
अगर फिर से दोबारा लेयर वन उसमें वाइट में क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक वाइट ही होगा, कोई सा भी कलर रहेगा तो उसी में क्लिक करेंगे तो ब्लैक वाइट ही होगा। अब इसमें सिंपली सिर्फ ब्रश टूल लेंगे, ब्रश टूल लेके हम यहाँ पे इसको इरेज करेंगे। देखिए ब्रश टूल हमें ज़्यादा हार्ड नहीं लेना है, जो ब्लॉयर वाला है उसी को यूज करना है। ब्लॉयर वाला ले लेंगे ब्रश टूल। अब इसको जितना बड़ा चाहिए हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे एडजस्ट करेंगे हम थोड़ी सी। अब देखिए हमें और थोड़ा छोटा चाहिए तो छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पे आप ओपासिटी भी कम कर सकते हो। यहाँ पे ओपासिटी 60, 70, 80 के बीच में रखोगे तो अच्छा रहेगा, या 100 भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट 70, 60 सही रहता है। तो देखिए जैसे जैसे बहुत ही आसानी से हमारा जो बैकग्राउंड वाइट वाइट सा था वो हमारा इरेज होने लग गया है। देखिएगा पूरा क्लियर हो जाएगा हमारा इमेज। हमें अभी जहाँ जहाँ भी व्हाइट से दिख रहा है ना वही वहीं पे इरेज कर देना है हमको। इसमें देखिएगा धीरे धीरे हल्का हल्का चलाना है इसमें। तो अभी हमने ओपेसिटी 100% करके कर रहे हैं, तो देखिएगा इसमें 100% में जैसे हमने यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपसे कोई गलती भी हो जाता है, देखिएगा यहाँ पे स्क्रीन पर अब ब्लू कलर आ गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कलर चेंज कर सकते हैं। हमें ऊपर वाला वाइट और ब्लैक करके चेंज कर सकते हैं। इसी को चेंज करने में अगर कोई वापस लाना चाहते तो वो आ जाएगा, घटाना चाहते तो घट जाएगा इसी का। अभी देखिएगा इसमें हम छोटे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी छोटे ब्रश की ज़रूरत पड़ी तो हम उसको साइज छोटा करके कर सकते हैं। अब देखिए कितना क्लियर हो रहा है इमेज। अब इसका ओपेसिटी कम करेंगे थोड़ा सा। ओपेसिटी कम करने के बाद हम बाकी का जो है उसमें इरेज करेंगे धीरे धीरे। देखिएगा अभी ये बिल्कुल बारीकी से काम हो रहा है, बहुत अच्छा भी लगेगा बैकग्राउंड। मतलब ऐसे नहीं लगेगा कि हमने फ़ोटो को लेके चिपका दिया है, ऐसे नहीं लगेगा, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आएगा फ़ोटो। देखिए ब्रश थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो हम बड़ा भी इसको कर सकते हैं। अब देखिए क्योंकि हमारा थोड़ा बड़ा ब्रश चाहिए यहाँ पे। ओपेसिटी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और जो ब्रश का साइज है ब्रश का साइज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब बढ़ाने के बाद इसमें काम करेंगे। अब देखिएगा पूरा साफ करेंगे इसको, और जो वाइट वाइट सा आ रहा था ना वो सिर्फ हमारा इरेज हो रहा है, और जो लड़की के बाल था वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे इमेज के ऊपर आ रहा है। देखिए गौर से देखिएगा दोस्त, नहीं तो समझ में नहीं आया होगा क्या कर रहा है। अभी देखिएगा हमारा इमेज तकरीबन तैयार हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। मतलब ऐसे लग रहा है इमेज के पीछे बैकग्राउंड पहले से दिया गया है, हमने एडिट वाला बैकग्राउंड नहीं लग रहा है इसमें, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। देखिएगा जो भी है यहाँ पे, अब हमारा जो काम है तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब ये थोड़ा सा रह गया है तो इसमें हम देखते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो में कुछ सीख पाए होंगे और मैंने आप लोगों को कुछ सिखा पाया हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि कोई भी वीडियो मैंने डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ऐसे ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा दोस्तों आप लोगों के लिए।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।